ने इसकी वीडियो बनाई कि नहीं? इंटरनेट पर डालो। इस घर में रहने के कुछ नियम हैं। पहला नियम, जान नहीं लेनी है, किसी की नहीं, कभी भी नहीं, कितने भी बुरे हालात हों। दूसरा नियम, अपने चड्डी बनियान को खुद ही वेट। गोरे मुखड़े पर काला चश्मा, माँ क्या साले, कम से कम घंटी तो बजाता। अच्छा, और वो भी मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि इस घर में साला कोई दिखाई नहीं देता है सिवाय तुम्हारे और उस नेगासोनिक टी कॉफी, जो भी नाम है उस लड़के का। कितना चांस मारेगा ठरकी का? हालात काबू कम बेकाबू ज्यादा लग रहे हैं शर्मा जी। ओ आई एम सो सॉरी शुक्ला जी। डैनियल, यहाँ सवाल मैं पूछूंगा पांडे जी, मुझे बच्चे से बात करनी है। यहीं रहना अपने अजीब रसीले होठों के साथ। अब लगता है कि मैं सही जगह पर आ गया हूं। जलन का गुस्सा हम पे उतार रहा है। बस बहुत हुआ, आतामाजी सटक रही है, सिंघम का डायलॉग मार रहा है, सिंघम का जेप रहा है। तू बस चुपचाप खड़े रहे, इज्जत का फलूदा कर रहा है। फायर फायर पहुंचाएंगे। हाँ, और ऐसे खतरनाक लोग भी होने चाहिए जिनकी दहशत के आगे मोगैम्बो और शाकाल और गब्बर भी बैठ के लिए। सुन के मेरे रोम रोम में आग भड़क रही है। जरा ठंड रख, आगे नाकू तोड़ी नाकू भूखो करी नाकू। तेरा सुपर पावर क्या है? ये तो सिर्फ शुरुआत है, तेरे शरीर में बदलाव आएंगे, तेरी कलियों का चमन खिलेगा और ये आग अलग अलग जगह में जाएगी मेरे भाई। ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया। भैया मुझे तो थ्री इडियट्स भी हॉरर पिक्चर लगती है। मेरा सुसु निकल आता है डर के मारे। देखिए मुझे एक प्रॉब्लम है भैया, मेरा ना पोपट खड़ा हो जाता है जब मुझे नर्वसनेस होती है, और फिर मैं कभी नहीं बताऊंगा कि वो लोग कहाँ हैं। भैया नाम बराबरी का होगा, अब से हमारी टीम का नाम होगा एक्स फोर्स। ये नाम कुछ कॉन्डम जैसा नहीं लग रहा है। प्रोटेक्शन हमेशा काम आता है पीटर। अभी तक तो पता नहीं। पता नहीं तो पता क्या है? जरूर तुमने मुझे शिद्दत से चाहा होगा, इसलिए कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की होगी। डायलॉग उठाए जरूर है, लेकिन राइटर ने मेहनत की है। मैं टीम में हूँ या नहीं? कल से आ जाओ। लग लग गया, कुड़ी सॉलिड है। फोन से करते आ रहा हूँ। पकड़ लिया, नहीं टूट गया। अब तुम ही बचाओ माते। ट्रक लग के हवाले। यार अब क्या, तेरा हाथ फिर से इतना छोटा कैसे हो गया? वो मेरा हाथ नहीं है। ओह, बुढ़ापे में ये क्या पकड़वा दिया मुझे। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। वेट, पप्पू वाला बड़ा आदमी कैसा दिखता है? अब तो पप्पू चप्पू चला ही सकता है। कोई बदकिस्मत ही होगी जिसकी नाव में ये छेद करेगा। दिखती भोली हो लेकिन डबल मीनिंग बातें तुम भी कम नहीं करती हो। आदत से मजबूर। दबा यहाँ पे। ये चलना सीख गया, देखो छोटा बच्चा चलना सीख गया। कैमरा लेकर आओ जल्दी। अरे यार, अरे इतनी सी देर में पोपट कितना बड़ा हो गया। चलो शाबाश मेरे बच्चे, चलो चलो तुम कर सकते हो। नहीं, तुम एक्स वुमन हो और तुम फिल्म में एक्स्ट्रा हो। नेले पे देला, चलो मुझे कुछ तो सीखा। खुद की तसल्ली के लिए यही समझो। और कुछ सीखना हो तो कभी आओ हवेली पर, मुझे कोई भी चलती है। एक नंबर के झरकी हो। Bye, babe.